नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में निकली हुई भर्ती के बारे में। पुलिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 530 पोस्ट की वैकेंसी है और पोस्ट का नाम है कुक, बार्बर और वेरियस, ऐसे वैकेंसीज है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक इम्पोर्टेंट लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक कर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी गई है उसे भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अब हम जाएंगे आज के जॉब की ओर। तो जैसे हमने आपको कहा कि कुक और बार्बर के पोस्ट के लिए वैकेंसी हो रही है, 530 पोस्ट की वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है और इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 10वीं पास आपको होना जरूरी है। आगे जाकर हम पीडीएफ में और बड़े विस्तार में इस जानकारी को देखेंगे। तो देख लेते हैं आप पीडीएफ में क्या जानकारी मिल रही है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ जारी किया गया है और जॉब लोकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के पर आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी वो हम देख लेते हैं। तो सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग झारखंड में होगी, झारखंड सशस्त्र पुलिस में ये भर्ती हो रही है। और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है वो है 18 से 25 साल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है यहाँ पर 18 से 27 साल है, यानी 2 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है जो कि 18 से 28 साल है। और महिलाओं के लिए यहाँ पर 18 से 30 साल का एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। यानी देखा जाए तो मेल तथा फीमेल कैंडिडेट्स यानी महिलाएं भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक माप के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जानकारी बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना जरूरी है, तो मिनिमम आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और साथ ही साथ इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा जो कि 18,000 के आसपास है। दफ्तरी, रसोईया, जलवाहक, झाड़ूकश, नाई और धोबी, ऐसे 6 पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। पर जो टोटल वैकेंसीज है वो कुछ 500 के आसपास है जो कि 530 है। और ऑनलाइन तरीके से आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की गई है और उस पर आप क्लिक कर यहाँ पर आ सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारे। और जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है जो कि jhpolice.gov.in है, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो जो कि झारखंड में हो रही है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अप्लीकेशन स्टार्ट कभी से हो रहा है। तो 1 सितंबर 2018 यानी आने वाले सितंबर के महीने में, यानी सितंबर के पहले तारीख से ही आपका जो अप्लीकेशन है निश्चित करना शुरू कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और अंतिम तिथि या जो लास्ट डेट है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वो है 24 सितंबर 2018। तो देखा जाए तो आपके पास पूरा महीना मिल रहा है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत अप्लाई करें। 24 सितंबर के पहले और 24 सितंबर के बाद आपका अप्लीकेशन स्वीकार नहीं जाएगा। जॉब लोकेशन बोकारो, झारखंड है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार झारखंड से है या झारखंड में जॉब आना चाहते हैं इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करिएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है और साथ ही साथ 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है कुक, बार्बर और भी 3-4 वैकेंसीज और एड ऑन है। लास्ट डेट जैसे हमने कहा सितंबर की 24 तारीख है। तो 24 तारीख के पहले आप आपका अप्लीकेशन निश्चित करिएगा। वेतन आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा जो कि 18,000 के आसपास है जनरल बताया गया है, पे बैंड 7 पे बैंड के आधार पर। और अच्छे खासा जॉब है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करिएगा। और ऐसे जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हर रोज ऐसे जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आपके सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा और ये वीडियो लाइक करने ना भूलिएगा क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है ये वीडियो आपको पसंद आई है नहीं। तो जरूर लाइक करिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।